हे गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। और साथियों आज 5 दिन के बाद धूप उगा और उगा तो एकदम भयानक टाइप से। पता ही है बरसात का धूप कितना शार्प होता है, क्योंकि बारिश का पानी की वजह से जो भी डस्ट पार्टिकल्स है एटमॉस्फेयर में सारा बैठ जाता है, तो एकदम शार्प धूप। साथियों आज जितिया पर्व है, आज और कल दोनों दिन, तो उसी का प्रोग्राम चलेगा थोड़ा। आज पूजा होता है और कल का दिन में क्या होता है, 7-8 तरह का सब्जी बनता है। कल मेनली क्या होता है कि जो अपने पुरखे लोग होते हैं, जो घर में मतलब जिनका भी डेथ हो गया, उन लोगों का कल पूजा होता है। देखिए हमारी सनातन की संस्कृति कितना सुंदर है, मतलब याद किया जाता है सभी को। और साथियों कल 7 अक्टूबर भी है, तो कल दूधमटिया मेला है। दूधमटिया टाटीझरिया में पर्यावरण मेला लगता है, जो कि बहुत 1995 से हाँ उसी समय से लग रहा है और बहुत बड़ा लगता है। जंगल के बीच में वृक्ष पेड़ों के साथ रक्षाबंधन होता है, पशुओं को कैसे बचाना है, कंजर्वेशन कैसे करना है, प्रोटेक्शन कैसे करना है, ये सब बताया जाता है। तो साथियों आज का ब्लॉगिंग स्टार्ट होता है। और अभी हम थोड़ा बारी आए हैं, सब्जी का सब ख़त्म। सब्जी तो धान बहुत अच्छा हो गया, लेकिन सब्जी का गेम बच गया पूरा। तो अभी हम यहाँ बारी से घर जाएंगे, क्योंकि आज बहुत सारा काम भी है साफ सुथरा करना। और साथियों बाहरी में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं। देखिए एक शहतूत पक गया है, मलबेरी एक पका हुआ है, पेड़ देखिए कितना बहुत बड़ा पेड़ है, दूर जाना पड़ेगा इसको दिखाने के लिए, फलेगा एकदम भयानक टाइप से। साथियों सब्जी का हाल देखिए, पता ही नहीं चल रहा है कि कुछ लगा भी हुआ है, सब खराब हो गया। अब धूप उगेगा 8-10 दिन, तब बारी में जुतवा के फिर से कुछ लगवाना पड़ेगा। बहुत सारा पपीता का पेड़ भी हटा देना है, क्योंकि वो जो फला नहीं उसको रखना से कोई फायदा है नहीं। तो साथियों देखिए बारी का हाल दिखाते हैं। देखिए बारी में पूरा पानी पानी, ये कितना भयानक जमा है, झाड़ फूटने जैसा, सोचिए कितना खतरनाक पानी पड़ा है। और अभी देखते हैं आगे वाला कुआं जाके। साथियों कुआं का देखिए हाल, अभी कम हो गया पानी, क्योंकि रात से पानी नहीं पड़ा है, नहीं तो पूरा भयानक। देखिए पूरा बारी में एकदम भयानक टाइप से पानी। तो साथियों ये मेरा पसरवा तर का बारी का हाल देखिए, पानी देखिए यहाँ पर आ गया है। कल कहाँ तक था करमवीर? ऊपर तक था। पूरा ऊपर तक कल पानी था भयानक टाइप से। नींबू भी फला हुआ है और एकदम बारी एकदम घनघोर घना हो गया पूरा एकदम, जिसको हम लोग कोठा में गजार बोलते, गजार हो गया। तो अब बरसात के बाद कराना पड़ेगा साफ। लेकिन खतरनाक हरियाली लग रहा है, कहा करमवीर खड़ा हो, इधर इधर दिखाओ तो मुँह करमवीर। मेरा बारी को देखिए दूर से कितना सुंदर है, लेकिन केला में कीड़ा लग गया है, इलाज करना पड़ेगा इसका। है ना करमवीर, देखो पत्ता देखो ना, दवा देना पड़ेगा। नहीं एक को सब केला में पीलू लग गया कीड़ा, रख देना पड़ेगा दवा। तो साथियों सारा काम कंप्लीट हो गया और अभी पढ़ते हैं, 1 घंटा ज़्यादा भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जल्दी उठना पड़ेगा कल। कल बहुत काम है, क्योंकि कल 2 फेस्टिवल है, एक तो जितिया हो गया जो, और दूसरा है पर्यावरण मेला। तो साथियों अभी हम बैठ के पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सो जाएंगे।